नमस्कार. एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. एक भारत श्रेष्ठ भारत या कार्यक्रमाचा मूळ उद्देश हाच आहे की ओडिसी बांधव आणि महाराष्ट्रीयन बांधव यांच्या संस्कृतीचा मिलाफ घडवून आणणं आणि तो आपल्यासमोर सादर करणं. ओडिसामध्ये नुकताच नुआखाई हा उत्सव साजरा झाला. पश्चिम ओडिसा हे जे राज्य आहे ते बहुतांश शेतीप्रधान आहे, शेतीवर अवलंबून आहे. शेतात भरघोस असं पीक आलं तर शेतकरी बांधव तिथे आनंद साजरा करतात आणि पारंपरिक पद्धतीने अगदी दरवर्षी नुआखाई हा सण साजरा केला जातो. नुआ म्हणजे नवा, खाई म्हणजे खाना, जेवण. शेतात जो नवीन तांदूळ येतो तो घरी आणला जातो. बरं, तो असाच आणला जातो का? तर नाही. घर स्वच्छ केलं जातं, नवीन वस्त्र, नवीन जेवण, गोडधोड या सगळ्यांनी हा सण साजरा होतो. सर्वप्रथम तांदूळ आणून तो देवीला अर्पण केला जातो आणि मग घरातले सगळे मिळून हा नवा तांदूळ ग्रहण करतात. असा हा नुआखाई सण. जी की इन्होंने बुलाया, आप लोगों के सामने खड़ा किया, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता. और मैं मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे इसको एक्सप्लेन करूं. ये खाना जो देख रहा हूं, ये श्रद्धा जो देख रहा हूं, ये माहौल जो देख रहा हूं, ये पॉजिटिव एनर्जी हॉल के अंदर जो है, ये दो इंसान जिनकी रगों में एक ही खानदान का खून दौड़ रहा है, ये न जल न जन और न जमीन के लिए लड़ते हैं, ये लड़ते हैं उस खानदान के धर्म अधिकार के लिए जिसे दुनिया वाले कहते हैं वंश. रावण के दरबार में हनुमान जी आते हैं और रावण से कहते हैं कि तू हमारी सीता माता को चुराया है, उसे वापस कर दे वरना तेरे साथ ही सोने की लंका जला के राख कर दी जाएगी. अब ये रोल दारा सिंह जी ने किया था. आप विजुअल कीजिए, कल्पना कीजिए कि ये रोल दारा सिंह जी की जगह अगर ही मैन धर्मेंद्र साहब हनुमान बनते तो वो किस तरह सीता मांगते. जनाब धर्मेंद्र साहब, माँ कहा है रावण, तेरी ये मजाल तूने हमारी सीता माँ का धोखे से चुराया है. माँ कसम अपनी माँ का दूध पे है तो एक बार मैदान में आ जा, आइंदा मेरे मोहल्ले की किसी औरत को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा डालूंगा. अच्छा जी, चलते हैं जी. जय राम जी की जी. हम मशहूर खलनायक शक्ति कपूर हनुमान बनते तो सीता किस तरह मांगते, उनका भी अपना चैनल है. शक्ति कपूर, आओ रावण, ढक्कन के झांका तूने क्या किया है? तूने हमारी सीता माता को धोखे से चुराया है, उसे भगाया है. तू अपने आप को बहुत बड़ा हरामी समझता है.
अबे साले तू जानता नहीं, मैं तुझसे बड़ा हरामी हूँ। तेरी शराफत इसी में है, ललिता को ले ले, सीता को दे दे। सर आपने तो कमाल कर दिया, मैं क्या बोलूं उसके बाद में। मैं पश्चिम ओडिशा परिवार को बस बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा और थैंक यू सो मच। जोरदार ताली प्लीज। Thank you.
Thank you.
being with us today is a proud moment for us. बहुत अच्छा लग रहा है हमें आप हमारे यहाँ हमारे परिवार में आए. नुआखाई पश्चिम ओडिशा दैट इज वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओडिशा का एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है. ये मुख्यतः एक एग्रीकल्चरल फंक्शन है. एग्रीकल्चर पूरा वेस्टर्न ओडिशा का सबसे बड़ा जीवन धारण का एक उपाय है. और चूंकि ये वेस्टर्न ओडिशा के लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं तो ये जो पहला जो धान निकलता है जिससे चावल बनता है या चूड़ा बनता है उसको देवी को समर्पण करके उसके बाद एक नया खाने का वहाँ पे रिवाज है. नवा खाई मीन्स नवा इज न्यू, खाई मीन्स खाना. नया खाना जो पर्व है वो पश्चिम ओडिशा का घर घर में पालन किया जाता है. इस दिन माना जाता है कि उस हमारे एरिया में कि यहीं से शुरुआत होता है उस साल का. इस दिन सवेरे जो है खाना पीना पकवान का सब अरेंजमेंट होता है. होने के बाद सब कोई जो है एक साथ में देवी के पास समर्पण करते हैं. खाना समर्पण करने के बाद उसको जो है एक साथ में खाने का एक रिवाज है. नया खाना उसको बोलते हैं. नया खाने के बाद एक भेंटघाट बोल के एक चीज़ होता है. भेंटघाट मीन्स मिलना मिलना जुलना, जहाँ पे सब कोई जाके जो सीनियर्स होंगे वरिष्ठ लोग होंगे उनको प्रणाम किया जाता है और वरिष्ठ लोग जो है बच्चों को उनसे कम उम्र के लोगों को आशीर्वाद दिया करते हैं. नॉर्मली हम लोग ये दिन को बहुत ईगरली वेट करते हैं बिकॉज हम लोग घर से बहुत दूर रहते हैं तो वो जो नुआखाई फेस्टिवल जो रहता है उसका फीलिंग्स हमको मिलता नहीं है जो कि इधर आके हमको मिला है. और हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं वो एवरी ईयर ये सेलिब्रेट करते हैं और सबको इन्वाइट करते हैं तो एटलीस्ट इधर आके हमको अपनों का फील आता है. उधर फील होता है बेसिकली हम लोग अपनी मिट्टी की खुशबू को महसूस कर पाते हैं यहाँ आके. आज के दिन ना समलेश्वरी माता समलेश्वरी जो गॉडेस है उनको नया चावल का खीर का भोग लगाते हैं तो पहले वो माता जी को भोग लगने के बाद फिर सब लोग खाते हैं. वही मेन हमारा आज ओकेजन है. आज एक्चुअली हम लोग यहाँ पे जो फेस्टिवल है नुआखाई उसके लिए सभी हम यहाँ पे गेट टुगेदर कर रहे हैं. ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है. जैसे नया चावल पहले निकलते हैं तो जैसे विलेज है वहाँ पे तो वहाँ से खेतों में जाकर नए चावल लेके आते हैं और जब दूध उबलता रहता है और दूध में नए चावल डाल के उसकी खीर बनाई जाती है फिर उसको पहले लेके देवी माँ को प्रसाद दिया जाता है और खेतों में भी इवन कहीं कहीं पे खेतों में भी लाके उसके प्रसाद बनाए जाते हैं. जय जगन्नाथ. या मुंबई प्रदेश मध्ये कमीत कमी 10 लाख उड़िया कम्युनिटी चे लोक आहेत आणि ते 10 लाख लोक संपूर्ण मुंबई प्रदेशात
असले हे प्रोग्राम करतात. या सीजीएस कॉलनीमध्ये मागील 30 वर्ष झालेत हा प्रोग्राम होतोय आणि संपूर्ण मुंबईचे लोक या सीजीएस कॉलनीमध्ये येतात प्रसाद ग्रहण करायला आणि देवाची पूजा करायला. आम्ही समस्त ओडिया बंधू सीजीएस कॉलनीमध्ये राहणारे चांगल्या प्रकारे 2 दिवसाचा हा प्रोग्राम करतो आणि 24 तास आज सकाळी 6 वाजल्यापासून उद्या सकाळी 6 वाजेपर्यंत हा अष्टप्रहरचा प्रोग्राम चालू राहील. इकडे राहिलेले 250 रहिवासी ते संपूर्ण मुंबई प्रदेशचे कमीत कमी 20,000 लोक या प्रसाद सेवनला येतात आणि आमच्या जगन्नाथ महाप्रभूंचं दर्शन घेतात आणि ते पूजा करतात. जय जगन्नाथ. मू बरं पद्मनाभ गंजाम जशी ब्रह्मपुर बडखंडे ग्राम मू गव्हर्नमेंट सीजीएस कॉलनी राहूचे प्राय 40 वर्ष सर्व्हिस आहे. आम एठे प्राय 28 वर्ष झाला अष्टप्रहर आरंभ सुरू करू. जय जगन्नाथ. बंदे उत्कल जननी. लास्ट 28 साल से हमारे यहाँ साइन एंटोफिल एरिया में हमारे जितने भी उड़िया लोग हैं मुंबई प्रदेश में लगभग 10 लाख उड़िया लोग हैं और हम सब यहाँ पे हर साल मिलके मिलजुल के एक साथ अष्टप्रहरी अष्टप्रहरी हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं. लास्ट 28 साल से यहाँ पे चल रहा है. यहाँ पे हमारे मुंबई बहुत सारी जगह में जैसे कल्याण है हमारे कांजुरमार्ग है चेंबूर है यहाँ पे एंटोफिल में हर साल होता है. यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं. आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे लोग हैं. खाना हम यहाँ पे बनाते हैं प्रसाद देते हैं जगन्नाथ जी का याद करते हैं सब मिलके एकजुल मिलजुल के सब एक याद करते हैं भगवान जी का नाम लेते हैं यज्ञ करते हैं. यहाँ पे विश्व शांति के लिए हम लोग सब मिलजुल के यज्ञ करते हैं. यहाँ पे बहुत साधु संत लोग आते हैं पंडित जी आते हैं सब मिलजुल के पूरा दिन भर 24 घंटे हम यहाँ पे सब मिलजुल के यज्ञ करते हैं प्रोग्राम करते हैं. यज्ञ नारायण भगवान की जय. यज्ञात भवति पर्जन्यः पर्जन्यात् अर्णसंभवः अर्णात् भवन्ति भूतानि तस्मात् यज्ञ समुद्भव. यज्ञ के द्वारा मेघ बनता है मेघ से बारिश होती है और बारिश से अर्ण की उपजाऊ होता है और उस अर्ण से सभी प्राणियों की जीवन धारा चलता है. तो इसी कारण यज्ञ का विधान पहले से शुरू हुआ और इस यज्ञ के विधान से इंद्रलोक ब्रह्मलोक और भगवत प्राप्ति तक पहुंचने का जो सुंदर विधान है वो ग्रंथों में सुंदर भाव से वेदों को लेकर वर्णित किया गया है. इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज इत्यादि गीता की जो भाषा है वो सभी धर्मों को एक साथ लेकर इस यज्ञ के माध्यम से हम आगे भगवान तक पहुंचने का एक सुंदर विधान और सुंदर मार्ग है यह यज्ञ विधान. और इस यज्ञ नारायण की सेवा हर कोई कर सकता है. काय मन वाक्य से इस यज्ञ की विधान करनी चाहिए. नुआखाई आणि अष्टप्रहर कार्तिक महिन्यातले 2 महत्त्वाचे पर्व. ओडिसी बांधव आणि महाराष्ट्रीयन बांधवांनी ओडिसात आणि मुख्यतः महाराष्ट्रातही साजरे झाले मुंबईमध्ये साजरे झाले. हे दोन्ही पर्व परस्परात सामंजस्य मेळ आणि एकता दाखवतात आणि हाच एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रमाचा मूळ उद्देश. आज आपला निरोप घेत आहोत. नमस्कार.